कर्मचारी अपने जीवन काल का बहुमूल्य समय, एक लंबा समय अपने विभाग को देता है। जब वो रिटायर होता है तो वो विभाग से चाहता है कि हमको सुविधाएं मिलें, जो पेंशन मिलती है उससे वे अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, विद्युत कर्मचारी हैं, इनसे हम जानने का पेंशनर्स कर्मचारी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर किन मांगों को लेकर आप सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और क्या वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव प्रसाद। क्या हुआ है आप लोग सब आज यहाँ पर? हम लोग आए हुए कि असल में हमारे यहाँ जो डीए या कोई आदेश अगर होता है तो उसको हमारे पहले बोर्ड जाता है, कॉरपोरेशन में जाता है, फिर वहाँ पे हमारे चार उसके सब भाग हैं, उत्तरांचल मतलब उसके चार भाग हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉरपोरेशन और जल विद्युत निगम। तो इन चारों से जब आदेश होता है तब इसके बाद वो हम पर लागू होता है। हमारा कहना ये है कि चूंकि जो हमारे इसका भुगतान गवर्नमेंट के शासन द्वारा ही होता है, ट्रेजरी के द्वारा भुगतान होता है, तो क्यों उनके पास क्यों जाता है? डायरेक्ट अगर डीए की बढ़ोतरी होती है तो वो हमको डायरेक्ट उसका भुगतान कर दिया जाए, उसको उनसे चारों निगमों से आर्थिक आदेश कोई वो न किया जाए। ये आप ही की समस्या की और सभी लोग ऑल ओवर यूपी, पूरी यूपी की जितने पेंशनर्स हैं सबकी। किसको दादा ज्ञापन दिया गया यहाँ पे? एक्सियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। किसको संबोधित करके ज्ञापन दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे, एक सबसे मांगे जो हमारी दरों में बढ़ोतरी होती है उसको किया जाए। दूसरी मांग सबसे बड़ी ये है कि हमारे एलएमई 10 के अंतर्गत जो हमको सुविधा अभी तक बिजली भोग करने की मिल रही थी उसको विड्रा करके वहाँ हमारे लोगों में मीटर लगा करके हमको बिल्कुल साधारण उपभोक्ताओं के समझ करके किया जाता है, जबकि ये सुविधा हमारी जब 2000 जनवरी 2000 में ये हमारा इनका पैक्ट हुआ था गवर्नमेंट से और बिजली विभाग से का हमारे कर्मचारियों नेताओं से कि जो भी सुविधाएं आपको मिलें ये आपकी हमेशा बरकरार रहेंगी, इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अब उसको बदल करके ये क्या कर रहे हैं कि एलएमई 10 के से हटा करके एलएमई 1 में रख रहे हैं, साधारण कंज्यूमर की तरह, जिससे कि हमारा भुगतान जो है बिल्कुल उन्हीं की तरह होगा, जैसे उसी रेट के ऊपर जिस रेट से उनके हमारे उपभोक्ताओं का होता है। क्या आश्वासन दिया एक्शन मोदी ने आपको? एक्शन, चूंकि एक्शन के आश्वासन देने कोई प्रश्न नहीं पैदा होता, इसलिए कि एक्शन महोदय हमारे ज्ञापन को कहा कि हम आपके मुख्यमंत्री और उसको भेज देंगे भेजने का। जैसा कि यहाँ पर पेंशनर्स एसोसिएशन परिषद के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे जो अपनी मांगों को लेकर एक्शन के द्वारा मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के संबोधित ज्ञापन दिया है। अब देखने वाली बात है क्या इनकी मांगों पर सरकार विचार विमर्श करेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शिवम त्रिवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।